दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में कहीं से चैट आ गया है किसी नंबर से, उस नंबर को आप सेव करना चाहते हैं उसको, तो फिर कैसे सेव करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले यहाँ से व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएंगे। जैसे ओपन हो जाएंगे उसके बाद न्यू नंबर ढूंढ लेना। जैसे कि यहाँ से एक नंबर आया, यहाँ देख सकते हैं, इसको सेव करना है। इसको सेव करने के लिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से ये नंबर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ से जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है तीन बिंदु कोने में, तो इस पर हम क्लिक करेंगे सेव करने के लिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। यहाँ से अब एड टू कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ से एड टू कॉन्टैक्ट वाले पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से उसका देख सकते क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, उसके बाद इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ से नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद नंबर यहाँ शो कर रहा है। आप जो भी यहाँ से लिखना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आराम से यहाँ से नाम भी शो कर देगा, दिखा भी देगा किसका नाम से है, यहाँ पर शो करता रहता है। तो इसको आप जो भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ से तो लिख सकते हैं। चलिए मैं कुछ भी नाम दे दे रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से कोई नाम लिख रहा हूँ। आप भी जो भी नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से जैसे कि लिख लिया, उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ से सेव हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी नंबर को सेव करना चाहते हैं किसी नाम से, तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।